मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चौंका देने वाली पांच ऐसे लोगों की बात और न्यूज बताएंगे जिन्होंने लगातार हस्तमैथुन करके अपनी जान तक दे दी। इस बात की रिपोर्टिंग करके अपने मैगजीन में पब्लिश किया है इंटरनेशनल मीडिया ने। इस वीडियो को अंत तक देखें और जरूर शेयर करें। नंबर वन, इस वेबसाइट आर्टिकल के अनुसार पोर्टलैंड का मीडिया नाउ 44 न्यूज ने अपने मैगजीन में अप्रैल 2017 में इस लड़के की खबर पब्लिश की थी। नाउ 44 न्यूज और हजलर रिपोर्ट के मुताबिक जेरम कारपेंटर नाम का ये टीनेजर लड़का 3 साल से डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह थी सेक्स एडिक्शन। ये लड़का अपने सेक्सुअल प्लेजर को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा अकेलापन का अनुभव कर रहा था। मास्टरबेशन का एक साइड इफेक्ट है लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। एक दिन लगातार 56 बार इस लड़के ने हस्तमथुन किया, जिस दौरान उसको लगा था ऑर्गास्मिक शॉक। ऑर्गास्मिक शॉक से नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, कई बार हार्ट और ब्रेन तुरंत काम करना बंद कर देता है, जो मौत का कारण बनता है। इस लड़के के साथ भी यही हुआ था। नंबर टू, इस इंफॉर्मेटिव वेबसाइट से खबर मिलती है कि ब्राजील में 16 साल का लड़का 42 बार हस्तमैथुन करके मर जाता है। इस लड़के की माँ को पहले से ही इस लत की खबर थी। वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। इस लड़के के दोस्त कहते हैं इसको हर तरह की स्त्रियों की तरफ बहुत आकर्षण था। उसके कमरे में पोर्न फोटोज और पीसी में पोर्न वीडियो भरी हुई थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों को कहा वेबकैम से इसकी हरकत पर नजर रखे। आधी रात को इस लड़के ने हस्तमैथुन करना चालू किया और सुबह तक 42 बार कर लिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। नंबर थ्री, एक और न्यूज है dailymail.co.uk की, जिसकी लिंक हमने नीचे दी है। उस न्यूज में बताया गया है हर साल 100 जर्मन्स हस्तमैथुन की वजह से मर जाते हैं। इन लोगों की मौत किस तरीके से होती है उसे जानने के लिए आप पूरी न्यूज पढ़ें। नंबर फोर, दिल्ली में एक घटना हुई थी जिन दिनों में मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर की वीडियो वायरल हुई थी। 28 सेकंड्स के उस वीडियो को देखकर दिल्ली का एक आदमी विदित अरोरा ने 100 बार एक दिन में ही हस्तमैथुन कर लिया और उसकी मौत हो गई। ये न्यूज dailyhunt.in की है, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। नंबर फाइव, साउथ अफ्रीका का 33 साल का व्यक्ति वैलेंटाइन डे के दिन 62 बार हस्तमैथुन करके मर जाता है। उस व्यक्ति का नाम है डेविड मैबुजा। इस न्यूज को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाएं। हस्तमैथुन के कारण हो रहे मौतों के ज्यादातर कारण है ऑटोएरोटिक एस्फिक्सिएशन। ऑटोएरोटिक एस्फिक्सिएशन एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के दौरान ब्रेन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि वही ऑक्सीजन ऑर्गाजम को यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ावा देने के लिए लग जाती है। ब्रेन को अचानक ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति सफोकेशन से मर जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम अपने कई वीडियोज में एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते हैं, जैसे मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, वीरनाश ही मृत्यु है, वीर रक्षा ही जीवन है। इन घटनाओं से ये साबित होता है ये श्लोक पूर्ण रूप से सत्य है। कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे लिमिट में करने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, लिमिट में करने से आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे। इस चीज में सुख देखकर इससे आगे कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में कई मामले में आप वीरवान व्यक्ति से हमेशा पीछे ही रहेंगे। बेहतर इसी में है आप ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, जैसा हमने इस वीडियो में बताया है, इसे अपनाकर इस धरती में भी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। महाभारत का एक श्लोक है जिसमें कहा है न जातु काम कामानुपभोगिन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। इस श्लोक का मतलब है जैसे आग में घी डालने से आग और भी भयानक हो जाती है, उसी तरह काम वासना अर्थात सेक्स को भोगने से कभी संतुष्टि नहीं हो सकती, बल्कि आग की तरह और भड़क कर आपके जीवन को जला देती है, और यही लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ये आग और ना फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को
न जलाए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मंथन हब को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे हस्तमैथुन और सेक्स के माया जाल से बचने के कुछ पावरफुल टिप्स। धन्यवाद।